गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए सभी बच्चे अपने उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखिए हम अपने सिलेबस देख लेते हैं। PA1 में हमने आपको कितने चैप्टर कवर कराए थे, देखिए हमने आपको 1 to 5 चैप्टर आपके PA1 में कवर कराए थे। अब देखिए हमने आपको नेक्स्ट हाफ ईयरली में आपको कराए हैं 6 to 10, ठीक है, जो हमारे मलेरिया लास्ट चैप्टर रहा है पार्ट 10 में। अब हम आपको कराएंगे 11 to 13, ठीक है, 11 to 13 अब हम आपको PA2 में कराएंगे। तो PA2 में सभी बच्चे टिक कर लेंगे कि हम आपको कितने चैप्टर करा रहे हैं, 11 to 13, 11, 12, 13, 9, तीन चैप्टर हम आपको कवर कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारे नबी की बेटी बीबी फातमा, ठीक है, तो ये आज हम आपको कराएंगे पार्ट 11 में आज हम आपको कराएंगे 11 चैप्टर नबी की बेटी बीबी फातमा पेज नंबर 49 पर। यहाँ हमारा क्या हो रहा है, PA2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे 49 पेज नंबर ओपन करिए। ये हमारा मलेरिया लास्ट चैप्टर था हाफ ईयरली का, ठीक है, यह हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब हम आपको देखिए कराएंगे चैप्टर 11। यह हमारा क्या हो रहा है, PA2 स्टार्ट हो रहा है। तो सभी बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे PA2 स्टार्ट। पार्ट है हमारा 11, चैप्टर भी हमारा 11 है, नबी की बेटी बीबी फातमा था, प्रॉफिट डॉटर फातमा, ठीक है। सभी बच्चों को बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी बीबी फातमा, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में बीबी फातमा के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए बीबी फातमा बहुत ही नेक खातून थी। बीबी फातमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी, बहुत ही नेक खातून थी, ठीक है। वो हमारे प्यारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी थी। वो कौन थी, साहबजादी यानी उनकी बेटी थी। वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी। हुजूर अकरम अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। वो क्या करते थे, हुजूर अकरम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। बीबी फातमा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। सभी को पता है बीबी फातमा की शादी किससे हुई थी, हज़रत अली से, ठीक है, जिनके दो बेटे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन थे। जो जिनके बेटे थे बीबी फातमा और हज़रत अली के बेटे कौन थे, हज़रत हसन और हुसैन, ठीक है। तो देखिए बीबी फातमा बड़ी मेहनती और बहुत खिदमत गुजार थी। बीबी फातमा बहुत कौन थी, बहुत मेहनती थी और खिदमत गुजार थी। अपने शौहर की खिदमत और बच्चों की परवरिश के अलावा अपने घर का सारा काम अपने हाथों से करती थी। अपने शौहर की खिदमत भी करती थी, बच्चों की परवरिश के अलावा भी उन्होंने क्या करा, घर का सारा जो काम था वो खुद करती थी। खाना खुद ही पकाती, बर्तन साफ़ करती, घर में झाड़ू लगाती, गल्ला साफ करती और अपने ही हाथों से चक्की चलाकर आटा पीसा करती, ठीक है। उससे उनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे। उनके हाथों में क्या थे, गट्टे पड़ गए थे, किसकी वजह से, जब वो चक्की पर आटा पीसती थी। बीबी फातमा की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर होती थी। उनकी ज़िंदगी जो थी किससे, तकलीफ़ के साथ बसर होती थी, गुजरी थी। लेकिन उन्होंने कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन क्या था, उन्होंने कभी भी दौलत की ख्वाहिश नहीं करी थी। घर में कभी खाना ना होता तो आप फाका कर लेती थी। जब घर में खाना नहीं होता था तो क्या करती थी, वो फाका यानी भूखी रह लेती थी। लेकिन किसी को भनक ना पड़ने पाती और किसी को वो भनक नहीं पड़ने देती थी कि वो भूखी हैं। आज रसूल की बेटी के घर में फाका है खुद तो बीबी फातमा की हालत ऐसी थी। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती। जब बीबी फातमा खुद की तो हालत ऐसी थी, लेकिन जब उनको मौका मिलता मदद करने का वो क्या करती थी, गरीबों की मदद करती थी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो उनके बच्चे भूखे हैं, किसी तरह खाने का कुछ सामान कहीं से मुहैया हुआ। बीबी फातमा ने खाना पकाकर तैयार किया, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब का या मुसाफिर किसी भिखारी ने आकर खाने का सवाल कर दिया, ठीक है। बीबी फातमा ने अपना और अपने बच्चों का खाना उस गरीब को दे दिया। क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे भूखे होते थे और उनको खाना पकाती थी कहीं से सामान लाकर, तो उसी वक्त कोई गरीब या फ़कीर आ जाता था तो उनके दरवाजे पर, तो वो क्या करती थी,
अपना खाना, अपने बच्चों का खाना उनको दे देती थी और खुद और वो अपने बच्चों के साथ फाका करती थी, यानी अपने बच्चों और ख़ुद को फाका रखती थी। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। हुजूर जो थे अपनी बेटी का क्या करते थे, बहुत ध्यान रखते थे। जब कभी बेटी अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए आती, हुजूर उठ कर खड़े हो जाते। जब उनकी बेटी उनसे मिलने जाती थी तो क्या करते थे, हुजूर हमारे उठ कर खड़े हो जाते थे और अपनी चादर बिछा कर बीबी फातिमा को बिठाते थे। उससे मालूम होता है कि बीबी फातिमा का मर्तबा कितना ऊंचा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कितनी मोहब्बत है। जब वो उनसे मिलने आती थी क्या करते थे, एक तो वो उठकर खड़े हो जाते थे और अपनी चादर उनके लिए बिछा देते थे। तो हमें इससे क्या मालूम होता है कि बीबी फातिमा का मर्तबा उनकी में कितना ऊँचा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कितनी मोहब्बत करते थे। अरब की औरतों भी बीबी फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलने को आती रहती थीं। बीबी फातिमा उन्हें ईमानदारी, खिदमतगुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती रहती थी। इतने आली मर्तबा बाप की बेटी होने के बावजूद भी उनके एहसान और अखलाक ने लोगों के दिलों में मोह लिया था और सब उनकी इज्जत और बहुत एहतराम करते थे। उनकी सब लोग क्या करते थे, बहुत इज्जत करते थे। औरतें अपनी परेशानी और मुसीबत के वक्त में आपसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थीं। आप किसी को भी मायूस ना करती थीं। बीबी फातिमा को हमारे नबी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा कहते थे। क्या कहते थे, वो अपने जिगर का टुकड़ा कहते थे। बीबी फातिमा ने भी अपने अमल से साबित कर दिया था कि वो हर तरह से उसकी हकदार है। बीबी फातिमा की ज़िंदगी औरतों और लड़कियों के लिए नमूना अम्ल है। उनसे नसीहत मिलती है कि हमें सब्र व शुक्र के साथ अपने घर वालों और पड़ोसियों की खिदमत करनी चाहिए। हमें उनसे क्या मिलती है, उनसे नसीहत मिलती है कि हमें सब्र से रहना चाहिए और शुक्र करते रहना चाहिए, अपने घर वालों की और पड़ोसियों की खिदमत करते रहना चाहिए और गरीबी में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी बहुत लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी हमसे भी नीचे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इतने परेशान हैं, हमसे भी लोग ज़्यादा परेशान हैं। हमें क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा दी, हर हाल में अच्छा, यानी उसको हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ आपको अल्फाज मायने दिए हुए हैं, सभी बच्चों को रीड करने हैं, पढ़ने हैं इसको। यहाँ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, पार्ट 11 चल रहा है आपका, तो मैं यहाँ पार्ट 11 लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, अब दर्ज जल जवाब में से इंतखाब करके आपको सही पर राइट का निशान लगाना है। जो सही है आपको क्या करना है, इस पर राइट का निशान लगाना है। बीबी फातिमा बेटी थी उस्मान गनी की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू बकर सिद्दीक की। बीबी फातिमा किसकी बेटी थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सेकंड ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। सेकंड है, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन साहब जादे थे हज़रत अली के, हज़रत उस्मान के, हज़रत बिलाल के। तो हज़रत अली के बेटे थे। तो बीबी फातिमा की शादी हुई थी हज़रत उस्मान से, हज़रत अली से, हज़रत उमर से। तो किससे हुई थी, हज़रत अली से शादी हुई थी। ठीक है, अब हमारा है दर्ज ज़ैल जुमलों में खाली जगह भरी है, हमें क्या करना है, इनमें खाली जगह भरनी है। अब हमारा देखिए, फर्स्ट है बीबी फातिमा बहुत ही डैश खातून थी। क्या थी, नेक खातून थी। तो मैंने यहाँ फिल करा हुआ है, तो सभी बच्चे लिखेंगे यहाँ पर नेक खातून। सेकंड है, बीबी फातिमा की ज़िंदगी बड़ी डैश से डैश होती थी। तो बीबी फातिमा की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ से बसर होती थी। ठीक है, थर्ड है, आप किसी को भी डैश ना करती थी। तो क्या थी, मायूस नहीं करती थी। ठीक है, अब आपका फोर है, बीबी फातिमा बड़ी डैश और डैश थी। तो बीबी फातिमा बड़ी मेहनती और खिदमत गुजार थी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा साफ करके लिख देती हूँ, खिदमत गुजार थी। तो ठीक है, तो सभी बच्चों को मैं करीब से दिखा रही हूँ, तो सभी बच्चे नोट कर लें इसे अपने बुक पर। देखिए, सबसे पहले आपको नेक खातून लिखना है, फिर तकलीफ, फिर बसर, फिर मायूस। अब आपका नेक्स्ट है मेहनती, खिदमत गुजार। ठीक है, खिदमत गुजार लिख देंगे। अब आपके नेक्स्ट आते हैं
दरअसल सही जुमलों के सामने राइट और गलत के सामने आपको रॉन्ग का निशान लगाना। जो सही होगा उस पर सामने हमने राइट कर देंगे, जो गलत होगा उसके सामने रॉन्ग। फर्स्ट है बीबी फातिमा हमारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। ठीक है, राइट है ये, तो उस पर हम राइट कर देते हैं। किसकी बेटी थी? हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सेकेंड है बीबी फातिमा की ज़िंदगी बड़ी ऐशो आराम से गुजर होती थी, रॉन्ग। थर्ड है बीबी फातिमा अपना खाना भूखों को खिलाती और ख़ुद भूखी रहती थी, राइट। जब कोई आ जाता था तो वो क्या कर देती थी? अपना खाना भूखों को खिला देती थी। फोर है बीबी फातिमा को हमारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा कह देते, राइट। फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट, फोर्थ में राइट। ठीक है, अब आप क्या आते हैं सवाल जवाब, तो ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। नेक्स्ट है आपके दर्जल अल्फाज का इमला ठीक कीजिए, जो गलत है उसे सही करके लिखना है। तो गल्ला हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, फाका हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, आली मर्तबा यानी अली मर्तबा लिखना है, खातून इस तरीके से लिखा जाएगा, गरीब इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, देखिए। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करिए, इसे इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, अब आपके नेक्स्ट आते हैं जुमले, दर्जा अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। तो जुमले आपके लिए होमवर्क है, तो सभी बच्चे इसे खुद करेंगे। ठीक है, तो जुमले सभी बच्चों को अपने आप करने हैं। नेक्स्ट आते ही हमारी ग्रामर स्टडी, और नीचे आपको दिया हुआ है दर्जा अल्फाज की प्लूरल, यानी प्लूरल कहते हैं जमा को। ठीक है, वाहिद बोलते हैं सिंगुलर को, प्लूरल लिखना है हमें, जमा बनाइए। तो खिदमत का हम लिखेंगे खिदमात, बेटी का लिखेंगे बेटियाँ, तकलीफ़ का लिखेंगे तकलीफ़, खातून का लिखेंगे खातून, बच्चा का लिखेंगे बच्चे, गरीब का लिखेंगे गरीबों। ठीक है, तो मैं आपको ये करीब से दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, खिदमात, बेटियाँ, तकलीफ, खातून, बच्चे, गरीबों। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट कर लें। सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर रखनी है। मैं सब पर टिक कर देती हूँ। सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखेंगे, ये आपको करना है उसके बाद। ठीक है, इसको होमवर्क में करेंगे, जुमले बनाएंगे, उसके बाद आपको इसे बुक पर ही रखना है। ठीक है, कॉपी पर नहीं करना, कॉपी पर सिर्फ आपको सवाल जवाब करना है, जो हम आपको स्टार्टिंग से कराते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉपी ओपन करनी है, देखिए आपकी उर्दू की कॉपी है फिफ्थ क्लास। तो देखिए उर्दू का काम हमेशा हमने स्टार्ट यहीं से करते हैं, तो यहीं से करेंगे। देखिए देखिए यहाँ आपका चैप्टर 10 में हमारा क्या होता है, हाफ ईयरली कोर्स कम्प्लीट हो गया था, PA2 स्टार्ट हुआ है। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, यहाँ पर डेट शो करेंगे, यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी, पार्ट 11 लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा चल रहा है सबक नंबर 11, नबी की बेटी बीबी फातिमा। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम है नबी की बेटी बीबी फातिमा। दर्जल सवालात के जवाब लिखिए, जो हमें क्या करना है, सवाल के जवाब देने हैं। ये हेडिंग हमारी दी हुई है, दर्जल सवालात के जवाब लिखिए, तो हमने यही लिखी है। फर्स्ट हमारा सवाल है बीबी फातिमा की ज़िंदगी कैसे बसर होती थी। तो हमारा सवाल है बीबी फातिमा की ज़िंदगी कैसे बसर होती थी। देखिए हम यहाँ से देखेंगे अपने चैप्टर से। देखिए आपको दिया हुआ है बीबी फातिमा की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर होती थी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपका फर्स्ट आंसर। पेज नंबर है आपका 49। ठीक है, पेज नंबर 49 से आपको लिखना है ये। तो पेज नंबर 49 मैं यहाँ लिख देती हूँ, पेज नंबर 49 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल है बीबी फातिमा अरब की औरतों को क्या तालीम देती थी। तो बीबी फातिमा, तो यह आपका बीबी फातिमा उन्हें ईमानदारी, खदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती रहती थी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक दूसरा सवाल जवाब लिखना है, बीबी फातिमा उन्हें ईमानदारी, खदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती रहती थी। ये भी आंसर आपको पेज नंबर 49 से ही लिखना है। ठीक है, तो पेज नंबर 49 से आपको ये जवाब लिखना है। ठीक है,
अब हमारा है तीसरा सवाल, बीबी फातिमा की जिंदगी से क्या नसीहत मिलती है। तो देखिए, हम आपने यहाँ आपको यहाँ पढ़ाया था, उनसे नसीहत मिलती है कि हमें सब्र व शुक्र के साथ अपने घर वालों और पड़ोसियों की खिदमत करनी चाहिए और गरीबी में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ से तीसरा सवाल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा तीसरा सवाल है, पेज नंबर है हमारा 50। पेज नंबर 50 से आपको तीसरा सवाल लिखना है। पेज नंबर 50 से आपको क्या लिखना है, तीसरा जवाब लिखना है। पेज नंबर 50, ठीक है, पेज नंबर 50 से सभी जवाब लिख लेंगे। अब आपका 4 है, अर्ब की औरतें बीबी फातिमा के पास क्यों आती थी। अर्ब की औरतें बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने को आती रहती थी। ठीक है, क्यों आती थी मिलने, क्यों आती रहती थी। तो देखिए, हमारा ये भी नीचे दिया है, यहाँ लिखा है बेटी, अब आपकी बेटी होने के बावजूद उनके ऐसा अखलाक लोगों को दिलम और उनकी इज्जत बहुत एहतराम करते। औरतें अपनी परेशानी और मुसीबत के वक्त आपसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी। क्यों आती थी, औरतें अपनी, ठीक है, औरतें अपनी परेशानी और मुसीबत के वक्त आपसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी। ये आपका है चौथा जवाब। ठीक है, यहाँ औरतें लिखा हुआ है, यहाँ आप अर्ब ऐड कर दिएगा। अर्ब की औरतें अपनी परेशानी मुसीबत के वक्त में आपसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 49 से लिखना है। ठीक है, अर्ब की लिख देंगे आप, अर्ब की, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है पेज नंबर 49 से, पेज नंबर 49 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 49 से औरतें, यहाँ पहले लिखेंगे अरब की, पहले लिखेंगे औरतें अपनी परेशानी मुसीबत के वक्त आपसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, हमारा पार्ट 11 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। डेट शो करना है, करनी है सभी बच्चे को, और यहाँ पर भी पार्ट शो कर दिएगा अपना। ठीक है, जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड होगी तो डेट शो कर दिएगा। ठीक है, पार्ट 11, सबक नंबर 11 आपका, नबी की बेटी बीबी फातिमा, इसी तरीके से आपको लिखना है। पहला सवाल, बीबी फातिमा की ज़िंदगी कैसी बसर होती थी, तो आपको पेज नंबर 49 से इसका जवाब लिखना है। बीबी फातिमा अरब की औरतों को क्या तालीम देती थी, तो ये भी आंसर आपको कहाँ से लिखना है, पेज नंबर 49 से लिखना है। बीबी फातिमा की ज़िंदगी से क्या नसीहत मिलती है, तो ये आपको पेज नंबर 50 से लिखना है। और किस औरतें बीबी फातिमा के पास क्यों आती थी, ये आंसर आपको पेज नंबर 49 से लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 11 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं, और एक्सरसाइज मैंने आपकी बुक पर कराई है, तो सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है। ठीक है, और अपने सवाल जवाब आपको कॉपी पर करने हैं, जो हमने आपको अभी कराए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा नूरुद्दीन जहांगीर, तो ये हम आपको पार्ट 12 में कराएंगे। ठीक है, जब तक सभी बच्चे अपना पार्ट 11 का वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू।